ये दौर था हिटलर का, 1941 से 45 तक। नाजी जर्मन्स ने कोई 6 मिलियन ज्यूज लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनको इतनी बुरी बदतर मौत दी गई थी कि शायद से इतिहास में इससे पहले ऐसा जानवरों के साथ भी नहीं हुआ होगा। लेकिन वो टाइम अलग था जब लोग धर्म के नाम पर, अपनी जात के नाम पर, अपनी एथनिटी के नाम पर बहुत आसानी से ब्रेन वॉश किए जा सकते थे। आज के टाइम में क्या है कि लोगों के पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी एजुकेशन है और ये एक अलग इरा है जहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी है, लोगों के पास इंटरनेट है और ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है जहाँ वो लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और दुनिया भर में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स भी हैं जो ह्यूमन के ऊपर हुए वायलेंस के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कहा जाए कि वही नाजी जर्मन्स वाला जेनोसाइड आज के टाइम में भी हो रहा है तो आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है चाइना में उइगर मुस्लिम्स पर। अगर ज्यादातर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की माने तो यहाँ पर चाइना ने कोई अब तक 12 लाख लोगों को जो कि उइगर मुस्लिम्स हैं उनको इन डिटेंशन कैंप्स में डिटेन करके रख रखा है और चाइना इन जेलों को री एजुकेशन कैंप कहती है। एमनेस्टी एंड ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उसने बताया कि चाइना उइगर मुस्लिम्स पर कितना ज्यादा अत्याचार कर रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना उन लोगों पर मास अबॉर्शन करवा रही है, फोर्स्ड लेबरिंग करवा रही है और उनकी औरतों के साथ रेप करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्यों चाइना उन उइगर मुस्लिम्स पर यह अत्याचार कर रहा है और क्यों पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं क्यों उन पर कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। Shackled and blindfolded. The footage posted on YouTube has now been verified as authentic. These people are systematically oppressed by their own government. We've been waking up to horrific stories every day. Heartbreaking images separating mothers from their children. चाइना इन सारे एलिगेशंस को नकारता है। वो कहता है हमने कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनाए। लेकिन आप इस फोटो में देख सकते हो कि कैसे 2015 से 2020 तक इन डिटेंशन कैंप की मात्रा बढ़ती आई है। ये सारे के सारे डिटेंशन कैंप चाइना के नॉर्थ वेस्ट चाइना में लाई करते हैं जिसको सिंजियान रीजन भी कहा जाता है। इन कैंप में चाइना ने कोई 12 लाख उइगर मुस्लिम्स को डिटेन कर रखा हुआ है जिनकी जो कल्चर है और लैंग्वेज है वो हान चाइनीज से बिल्कुल अलग है, यानी कि जो नेटिव चाइनीज है उनसे बिल्कुल अलग है। उनका जो कल्चर है वो सेंट्रल एशिया के लोगों के साथ मिलता है। सिंजियान रीजन को एक्चुअली चाइना ने 1949 में अपने अंडर ले लिया था और तभी से उन पर ये अत्याचार करती आ रही है। अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लीक हुए थे और इन डॉक्यूमेंट्स में ये था कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, उन्होंने चाइना के उस रीजन में, सिंजियान रीजन में 2014 में एक विजिट की थी और उस विजिट के बाद सी जिनपिंग ने सिंजियान रीजन में नो मर्सी रूल इम्पोज करा दिया था। उसके बाद तो चाइनीज आर्मी ने वहां के लोगों पर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ऑलमोस्ट 10 लाख उइगर मुस्लिम्स को डिटेन कर रखा गया है और उनका जबरन एबॉर्शन करवाया जा रहा है और वहां की जो महिलाएं हैं उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम काट दिए हैं ताकि वो मां नहीं बन सके और यहाँ पर मर्दों को औरतों से अलग रखा जा रहा है और यहाँ पर कोई 16,000 मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या फिर उनको भारी नुकसान पहुंचाया गया है। एमनेस्टी ह्यूमन राइट्स ग्रुप के द्वारा कोई 160 पेज की एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें उन्होंने 55 फॉर्मर डिटेनीज के इंटरव्यू छापे और इनमें एक तुर्सुने जाउद्दून नाम की एक महिला भी थी। तो तुर्सुने जाउद्दून यहाँ पे कहती हैं कि उन्होंने 9 महीने इन डिटेंशन कैंप में गुजारे और इन डिटेंशन कैंप में पूरी तरह उइगर मुस्लिम्स ही भरे हुए हैं। और जाउद्दून आगे बताती हैं कि वहाँ की औरतों को उनकी बंद कोठड़ियों से हर रात खींचकर बाहर निकाला जाता है और उन पर गैंग रेप किया जाता है। जाउद्दून यहाँ पे कहती हैं कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा टॉर्चर हुआ है और 3 बार मेरे साथ भी गैंग रेप हुआ है जो कि हमेशा चाइनीज लोगों के द्वारा किया गया। यहाँ पर हमेशा 2 से 3 चाइनीज लोग रहते और मास्क पहने रहते थे। जाउद्दून फॉर्चुनेटली अब अमेरिका आ गई हैं। वो कहती हैं कि वो कभी भी चाइना वापस जाना नहीं चाहेंगी क्योंकि अगर वो चाइना वापस गई तो वहां की गवर्नमेंट उसको बहुत बुरी तरह टॉर्चर करेगी और उसकी जान ले लेगी। एमनेस्टी की इस रिपोर्ट ने चाइना पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर डाला जिसके चलते यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएस एंड कैनेडा ने उस पर सैंक्शन इम्पोज कर दी थी। लेकिन इसके बदले में चाइना ने उन पर ही सैंक्शन इम्पोज कर दी, यानी कि कोई इन देशों का सामान नहीं खरीदेगा और ना ही हम इन देशों को अपना सामान बेचेंगे।
और इसकी भी बहुत भारी संभावना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चाइना पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी वीटो पावर है और जरूर अपना इस वीटो पावर का इस्तेमाल चाइना अपनी अपने खिलाफ इस इन्वेस्टिगेशन को रोकने में करेगी। द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि चाइना मानवता के खिलाफ जेनोसाइड कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का मानना है कि चाइना ने 2020 तक कोई 380 डिटेंशन सेंटर बनाए थे, जो कि उनके एस्टिमेट से भी 40% ज्यादा थे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि चाइना आखिर ये कर क्यों रहा है, तो इसका आंसर जानने के लिए हमें सिंजियांग प्लांट के ज्योग्राफी के बारे में जानना पड़ेगा। सिंजियांग एक डिजर्ट रीजन है जहां पर से कोई 20% पूरी दुनिया का कॉटन आता है और इस रीजन में ऑयल और नेचुरल गैस के भी बड़े बड़े भंडार हैं और ये चाइना से यूरोप के लिए एक रूट भी बनता है, तो इसीलिए चाइना ने उसको 1949 में अपने अंडर में ले लिया था और उसी के बाद से सिंजियांग के जो लोग हैं वहां पर फ्री सिंजियांग पाने के लिए छोटे छोटे मोमेंट करते रहते हैं। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि चाइना ऑलमोस्ट हर अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ यही करता है। बहुत से रीजन हैं, बहुत से छोटे छोटे देश हैं जो उन्होंने अपने कब्जे में लिए हुए हैं और चाइना हमारे देश के साथ भी यही कर रहा है। आपने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश में वो घुसपैठ कर चुका है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को देखना। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो चाइना ने 1949 में इस रीजन को अपने अंडर में ले लिया था और उसके बाद से फिर वहां पे जो लोग हैं सिंजियांग लोग वो फ्री सिंजियांग चाहते हैं और छोटे छोटे मोमेंट करते रहते हैं, तो इसीलिए फिर चाइना उनके खिलाफ बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। एक्चुअल में दोस्तों जब आंदोलन और मोमेंट होते हैं तो किसी भी देश की गवर्नमेंट बिलबिला सी जाती है। अपने देश में भी हमने यही देखा था, जब किसान आंदोलन हुआ था तो हमारी देश की गवर्नमेंट कितनी ज्यादा खिसिया गई थी और यहाँ पर बड़ी क्रूरता गवर्नमेंट की देखने को मिली थी। तो चाइना जैसे देश में तो पहले ही डेमोक्रेसी नहीं है, तो उस देश में अगर वहां की सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको बहुत बुरी तरह से वो सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए वहां की गवर्नमेंट वहां के मुस्लिम्स को जेनोसाइड के द्वारा वाइप करना चाहती है और वहां पर नेटिव चाइनीज जिनको हान चाइनीज कहा जाता है उनको भी बसा रही है वहां के मुस्लिम पॉपुलेशन को दबाने के लिए। 1950 तक वहां पर 76% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लेकिन आज के टाइम में तो ये घटकर ओनली 46% ही रह गई है। हालांकि चाइना अपने इन सारे एलिगेशंस को नकारता है, वो कहता है कि वो इस चीज को इसलिए कर रहा है ताकि वो टेररिज्म को रोक सके, लेकिन हम सबको पता है टेररिज्म के पीछे वो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है और उनका जेनोसाइड कर रहा है। तो आज के टाइम में भी ह्यूमन के खिलाफ हो रहे इस वायलेंस को रोकने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उनको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी चाइना जैसे देश के खिलाफ ये लड़ाई जीती जा सकती है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। They live in a police state where they're monitored by one of the most advanced and intrusive surveillance systems in the world. Party officials are frequently attacking Islam as very old-fashioned, very backward. These are some of the suspected detention camps where an estimated 1 million Uyghurs are held. Many of them have not been heard from since being detained.